वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की ओर। इससे पहले हम आपको आगाह कर दें, जीएनएन न्यूज अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर से आप रह सकें अपडेट। दादादेव ग्राउंड में नवरात्रि के पहले दिन 351 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, धूमधाम और श्रद्धा के साथ की गई कलश स्थापना। गौरतलब है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और दिल्ली सहित देश भर में धूमधाम और श्रद्धा भक्ति के साथ कलश स्थापित करते हुए माता रानी की पूजा की शुरुआत की जा रही है। दो दशक से यहां पर माता रानी की भव्य पूजा और मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक नवरात्रि की पूजा का सामान और छोटे प्रारूप में आयोजित किया गया। लेकिन इस साल महामारी से जनजीवन सामान्य होने के बाद एक बार फिर से बृहत और भव्य रूप से माता रानी की पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें द्वारका के दादादेव ग्राउंड की हैं, जहां माता रानी की पूजा के लिए पंडाल बनाया गया है और आज पूजा के पहले दिन पूरी श्रद्धा के साथ कलश की स्थापना की जा रही है। लोग भक्तिमय होकर लीन हो रहे हैं और पूजा के पहले दिन बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। नमामि, मैं आचार्य जयशंकर मिश्र, मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी हूँ, पीजीटी पोस्ट है। और यहाँ पर विगत 20 सालों से दुर्गा पूजा हो रही है, जहाँ मैं 7 सालों से यहाँ आ रहा हूँ। और यहाँ का जो भव्य पूजा कार्यक्रम है आज से लेकर 10 दिन पर्यंतम, जैसे आज यहाँ पर मैं 351 महिलाएं यजमान सहित और 351 महिलाएं अपने सर के ऊपर कलश लेकर के यहां से कलश यात्रा शुरू करेंगी और दादादेव मंदिर पर जाकर के वहां कलश भरेंगी। फिर कलश भरने के बाद ये वो मैं निश्चित रूप से फिर वापस पुनः यहां मंदिर में प्रांगण में आएगी और कलश स्थापना, कलश सारे रखे जाएंगे, फिर पूजा विधिवत आरम्भ होगा। यहाँ की जो समिति है, वो समिति के सभी भी सदस्य पूरे तन मन धन से लगे हुए रहते हैं, जिससे कि पूरे विश्व को माँ भगवती का आशीर्वाद मिले, कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, इसीलिए समिति भी पूरे तत्पर रहते हैं। यहाँ का जो वातावरण है, संस्कृति भक्तिमय, 10 दिन भक्तिमय, मैं तो ये कहता हूँ पूरे दिल्लीवासी से और भारतवासी से दूर दूर से लोग आएं और एक बार जरूर यहाँ का भव्य स्वरूप। मेरा नाम सुरेंद्र झा है, मैं पालम द्वारका दुर्गा पूजा समिति का मुख्य संरक्षक हूँ और विगत 20 वर्ष से पालम द्वारका दुर्गा पूजा समिति दादादेव मेला प्रांगण में दुर्गा पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। 2 वर्ष हम लोग ने कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण विश्व में जो क्षति हुआ है, उस वजह से कुछ हमारा आयोजन में व्यवधान आया, क्योंकि सरकारी गाइडलाइन के कारण हम पूजा नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरी संस्था के पदाधिकारी लोग कुछ अपना एफर्ट लगा करके प्रशासन की मदद से हम 2 साल भी कोरोना महामारी में पूजा का आयोजन किया, पूजा का ब्रेक नहीं किया। इसमें मेरे संस्था के सभी पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं, समाज के लोग जितने हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। दादादेव के तरफ से हम लोगों को सपोर्ट निरंतर 20 साल से मिलते आ रहे हैं, दादादेव की प्रधान जी की कृपा होती है और ये पूजा भव्य रूप से मनाया जाता है। आज कितना कलश यात्रा निकल गया? हमारे संस्था के तरफ से आज 351 कलश यात्री अखंड व्रतधारी माता बहन कलश यात्रा करते हैं और पंडाल से, जहां पर आप पहले गए थे उस पंडाल से हम लोग निकल करके यहां आते हैं और यहां गंगाजल ग्रहण करती है, गंगाजल लेती है और फिर नगर कीर्तन होते हुए भी पूरा पंडाल में जाकर के कलश यात्रा को स्थगित किया जाता है और माता का पूजा, शैलपुत्री माता का पूजा आज से प्रारंभ हो। मेरा नाम विभा झा है और ये पालम द्वारका दुर्गा पूजा जो है सो 2002 से यहाँ मनाया जाता है और सभी महिलाएं जो प्रथम पूजा होती है नवरात्रों की, शैलपुत्री की, उस दिन कलश यात्रा होती है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और
कभी किसी साल 351, किसी साल 551, ऐसे करके सभी महिलाएं मेला ग्राउंड से कलश यात्रा शुरू करके और ये दादा देव में जल का ये उसमें भरती है कलश में और फिर पूरे राजनगर में भ्रमण करके माता जी का जयकारा करते हुए इसमें जो है पट चढ़ करके हिस्सा लेती है। इस साल कितने कलश निकले हैं? और इस साल जो है 351 कलश का ये हुआ है, कलश निकाला गया है और इसमें एक संस्था की तरफ से साड़ी लोटा नारियल सभी का ये संस्था की तरफ से दिया गया है और इसमें सभी मिलजुल के मिथिलांचल के जो हैं और इधर के भी हैं सभी मिलजुल के हिस्सा लेती हैं। 9 दिनों की पूजा होती है जिसमें सभी का योगदान बहुत ही सराहनीय है। श्री मनोज झा जी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो अपना तन मन धन सभी चीजों से इसमें पूरे साल लगे रहते हैं।